बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में भीमा नाम का राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा ही नेक दिल था। उसके राज्य में अगर कोई भी समस्या हो तो वो उसका हल निकालता था। मगर उसकी रानी बहुत दुखी रहा करती थी। उसका कारण था कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और राजा भी ये बात अच्छे से जानता था कि रानी बहुत दुखी रहती है। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई कि राजा और रानी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन राजा अपना यह दुख किसी को नहीं बताते थे और राज्य का अच्छे से ध्यान रखते थे। एक दिन राजा के पास एक साधु आया और उनसे कहने लगा, राजन, मैं बहुत दूर से यहां पर आया हूं। मैंने आपके इस राज्य में हर एक गांव को घूम घूम कर अच्छे से देखा है। आपके इस राज्य में हर कोई खुश है सिवाय आपके। सिर्फ इसीलिए मैं यहां पर आपको एक टोकरी देने आया हूं, इसे स्वीकार करें। यह टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है। इसमें आप जो कुछ भी डालेंगे राजन, वह एक से दो हो जाएगा। आप इसे आजमा सकते हैं। फिर राजा रानी के पास गया और उसे सारी बातें बताई। आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है महाराज? क्या सच में इस टोकरी में जो भी डाला जाएगा उसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी? उस साधु ने तो मुझसे यही कहा था महारानी। वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये टोकरी एक जादुई टोकरी है। रानी ने अपने हाथ से कंगन निकाला और उस टोकरी में रखा और फिर वो एक से दो हो गया। राजा और रानी ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके राज्य में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब उनका राजकाज बहुत अच्छे से चलने वाला है। मगर अब भी राजा और रानी खुश नहीं थे क्योंकि उनके मन में बार बार ये ख्याल आता था कि अब तक उनकी कोई संतान नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन द्वारपाल उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, द्वार पर एक भोला नाम का आदमी है जो आपसे भेंट करने के लिए कह रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी सुलेखा और एक नवजात शिशु भी है। राजा ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। भोला राजा के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोलने लगा, महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम अपनी यह संतान आपको देने आए हैं। आज से आप ही इस बच्चे के माता पिता हैं। राजा कुछ कहता ही कि उसके पहले रानी भागते हुए आई और बच्चे को सुलेखा की गोद से उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। रानी भोला और सुलेखा का धन्यवाद करने लगी। राजा यह देखकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने भोला और सुलेखा को बहुत ध्यान से देखा। दिखने में तो वो बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कोई दर्द भी छुपा हुआ था। रानी, इस बच्चे को इन्हें वापस कर दीजिए। हमने संतान रह लेंगे, लेकिन किसी से किसी का बच्चा छीनना सही बात नहीं। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर राजा और रानी के सामने विनती करने लगे। सुलेखा बोली, इस बच्चे को अपनी संतान मानकर अपना ले महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजा और रानी यह देखकर हैरान थे कि एक माँ अपने बच्चे को किसी को देने के लिए इतनी ज्यादा प्रार्थनाएं क्यों कर रही है। आप हमें इसे क्यों देना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। संसार में अगर किसी भी माँ से उसका बच्चा मांग लिया जाए तो वह किसी भी मूल्य पर उसे नहीं देती है। मगर तुम अपना बच्चा कैसे देना चाहती हो, क्या कारण है? भोला ने कहा, राजा जी, हमें श्राप मिला है कि 12 दिन के अंदर अगर हमने ये बच्चा उसे नहीं दिया जो निसंतान है तो 13वें दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आज हमारे बच्चे के जन्म को हुए 12 दिन हो गए हैं। कृपया आप हमारे इस बच्चे को अपनी संतान के रूप में अपना लीजिए, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। आप अभी विश्राम करें, हम कुछ ही देर के अंदर अपना फैसला सुनाएंगे। राजा इस विषय में सोचने के लिए उद्यान में एक एकांत स्थान पर गए। रानी भी उनके पीछे पीछे बच्चे को हाथ में लेकर चल पड़ी। रानी ने देखा कि राजा बहुत दुखी और उदास हैं।
क्या हुआ महाराज? आज ईश्वर ने हमारी गोद भर दी है, पर आप खुश नहीं हैं? वो दंपति अपनी संतान को खुद की मर्जी से देना चाह रहे हैं, हमने तो कोई दबाव नहीं डाला, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे राज्य के निवासी अपनी संतान को हमें सौंप कर चले जाएंगे और अपना सारा जीवन आंसू बहाते रहेंगे और अपने बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे। ये सोचकर मैं कैसे सुख से रह सकता हूं? रानी भी सोच में पड़ गई और बोली, महाराज क्यों ना हम इस बच्चे को उस टोकरी में रखकर एक बच्चे से दो बच्चे कर लें, और इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला और सुलेखा को दे देंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना, यह सुनकर मानो खुशी की लहर उनमें दौड़ पड़ी। आइए महारानी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलिए, टोकरी महल में है, आप इस बालक को टोकरी में रख दीजिएगा रानी। हो सकता है टोकरी में रखते ही यह बालक भी एक से दो बन जाए। राजा और रानी बच्चे को लेकर दौड़ते हुए महल के अंदर गए और जहां पर टोकरी रखी हुई थी उस स्थान पर पहुंचे। महारानी ने बच्चे को टोकरी में रखा और उस जादुई टोकरी से एक बच्चा दो बच्चे में बदल गए। राजा ने दूसरा बच्चा उठाया और रानी ने जिस बच्चे को टोकरी में रखा था उसे उठाया। दोनों भोला और उसकी पत्नी के पास गए। राजा ने कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। भोला और उसकी पत्नी निराशा से राजा की ओर देखने लगे। तभी राजा ने टोकरी की वो सारी बात उन दोनों को बता दी और कहने लगे, आप ये बच्चा रखिए, आपको जो श्राप मिला है वो उस बच्चे के लिए है जो रानी की गोद में है, इस बच्चे के लिए नहीं। आप इस बच्चे को ले जाएं, इसे कुछ नहीं होगा। आप महान हैं राजन, आप अपने घर में संतान ना होने की वजह से दुखी नहीं हुए, बल्कि अपने प्रजा के एक घर में संतान नहीं रहेगी ये सोचकर दुखी हो रहे थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे राजा की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला। आपने हमारे बच्चे को गोद लिया ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, पर हमें भी निसंतान नहीं रहने दिया। आप दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज और महारानी। इसके बाद भोला और सुलेखा उस बच्चे को अपने साथ लेकर खुशी खुशी घर चले गए। राजा और रानी बच्चे को अपने साथ पाकर बहुत खुश हुए। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक वीर राजकुमार बना। इसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!